as Virat Kohli, greatest player ever of the modern era, no question about it. And he's a great guy. Great guy. Unnecessary troll करते हैं उसको. Unnecessary. ठीक है, फॉर्म ही बुरी हुई ना तो ट्रोलिंग शुरू होगी. क्या हुआ यार, जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किए थे तो आपने इसलिए खेले थे कि आप हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा बने और हिंदुस्तान को सर्व करें. आज वो मौका दोबारा आ गया. बेटवे इसका अप टू डेट क्रिकेट डेटा दे आपको आपके प्रेडिक्शंस पे कॉन्फिडेंस. अब बस खेल का मजा लो. हेलो एंड वेलकम टू बेटवे प्रेजेंट्स एसके मैच की बात. और आज बहुत बड़ा मुकाबला है क्योंकि ये है एलिमिनेटर और सामने है लखनऊ और बैंगलोर. मेरे साथ जुड़ गए हैं शोएब अख्तर. शोएब भाई सलाम. वालेकुम सलाम निशा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ शोएब भाई. शोएब भाई, ये मैच आपके लिए भी बहुत इंटरेस्ट का है क्योंकि ये मुकाबला खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में और कोलकाता से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं. और दिल क्या कहता है मैच हो जाएगा. मैच होना चाहिए. अब आप चाहती है विराट कोहली साहब क्या करें क्या चाहते हैं? वो करेंगे. केएल राहुल क्या करते हैं वो देखना होगा. एक बात तो ये केएल राहुल माने कि जो इन्वेस्टमेंट विराट कोहली ने केएल राहुल पे की थी जी, और जिस तरह उनको जबरदस्ती खिलाया, ओपन कराया और करा करा के इंडिया के लिए परमानेंट मेंबर बनाया, तो मुझे लगता है कि इज अ वेरी नाइस गाय, इज अ सेंसिबल गाय. और ये ना सिर्फ अपने आप को प्रूव करने में कामयाब हुए हैं और ये अपने आप को ये भी बताने में कामयाब हुए कि मैं एक सीरियस कंटेंडर हूँ इंडिया टीम के लिए भी और यहाँ के लिए भी. देखिए केएल राहुल इज गोना बी अ मेजर फैक्टर. और मैंने पहले भी कहा था ये जो टीमें हैं लखनऊ और गुजरात ये फैंटी लगाने आई हैं और वो फैंटी लगा रही हैं. वो देख रहे हैं आप तो ये फैंटी लगा रहे हैं. तो आई थिंक अब देखो क्या बनता है यार. मैं तो ऑब्वियसली आई विल गो विद केएल राहुल. बिल्कुल, ईडन गार्डन्स में बहुत सारी यादें आपकी और अब हो सकता है फ्रेश मेमोरीज भी यहाँ से बने क्योंकि बैंगलोर और लखनऊ के बीच मुकाबला है. ये क्वालिफायर, ये एलिमिनेटर है और जो हारेगा वो घर जाएगा. जब आप इतने बड़े मैच में आते सीधा, सीधा सीधा घर सीधा. लेकिन अगेन जो मुझे लगा केएल राहुल कंपोज रहने वाला आदमी, कंपोज और आवाज को अगर मैच लग रहे होता आवाज को क्राउड को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं. इसे कहते हैं कंट्रोलिंग द गेम. वो कंट्रोल इसलिए आता है कि आप जब पूरा फोकस होते हैं भूल जाए सारी चीजें दुनिया की. सिर्फ वो दो सेकेंड फोकस करना है आपने. एंजॉय इट. ये मोमेंट कभी जिंदगी वापस नहीं आएगा. एलिमिनेटर्स जो है वो दोबारा जिंदगी वापस नहीं आएगा. आज ये वक्त, ये मैं और तुम, ये कोलकाता, ये क्राउड, ये मौसम, ये पैसे, ये प्रेशर से दोबारा वापस जाए सामने ना. लेकिन विराट कोहली है, जब आप प्रेशर की बात कर रहे थे पूरे सीजन वो प्रेशर ले रहे थे लेकिन पिछले मैच में जो 73 रन की उन्होंने पारी खेली है वो प्रेशर पूरी तरह से उतर गया है. और अब जब उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है वो विराट कोहली आज 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 करके दो ना जी. आज विराट कोहली ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर ऑफ द मॉडर्न एरा, नो क्वेश्चन अबाउट इट. एंड इज अ ग्रेट गाय, ग्रेट गाय. अननेसेसरी ट्रोल करते हैं उसको. अननेसेसरी. ठीक है, फॉर्म ही बुरी हुई ना तो ट्रोलिंग शुरू होगी. क्या हुआ यार, जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किए थे तो आपने इसलिए खेले थे कि आप हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा बने और हिंदुस्तान को सर्व करें. आज वो मौका दोबारा आ गया. घबराना नहीं है आपने जाके इनको वो फेंटा लगाना है, वो फेंटा लगाना है. बता देना विराट कोहली बॉल है. सामने जो लखनऊ की टीम है ना शोएब भाई, वहां पर उनका टॉप ऑर्डर जबरदस्त है. क्विंटन डीकॉक उनके पास है, आपको याद होगा 140 रन उन्होंने पारी खेली और अकेले ही वो मैच जिता सकते हैं. तो बैंगलोर को डर के रहना होगा थोड़ा. देखिए जी, वो तो एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है ना. और तो आपने देखा क्विंटन डीकॉक आईपीएल में खुश भी रहता है. अब देखो हंसता रहता है क्विंटन डीकॉक को. मैंने इतना खुश कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखा. वो आईपीएल में ज्यादा खुश रहता. नोट करना, मैंने नई बात बताई. वो खुश रहता है इधर, उसमें प्रेशर नहीं होता, वो गुमा नहीं रहता. अब यहाँ पे जितना सुबह टैलेंट है ये गेम चेंजर है. ये गेम चेंजर है. आता कहाँ पे? ऊपर. और हर शॉट उसके पास मौजूद है और
फेंटे लगाएगा और मुझे पता है कि इट्स गोना बी अ वन हेल ऑफ अ कॉन्टेस्ट, मजा आएगा, तगड़ा मैच होगा। आईपीएल का जो असल रंग है ना, जो जमने वाला है, जिसे लाल कहते हैं, वो लाल आज होगा। आज मजा आएगा कि आज होना क्या, आज गेम हम नर्वस है, अब यही इस दिन के लिए तैयार होते हैं यार। आम टेस्ट मैचेस के थोड़े तैयार हुए हैं, आम सीरीज के थोड़े तैयार हुए थे, आम मैचेस थोड़े तैयार हुए थे, इन दिनों को तैयार हुए। आओ ना सर, 15,000 करोड़ में फंसा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट फंस गई है, अब जिताओ। लेकिन इतने सारे स्टार्स जो आज उतरेंगे एक साथ मैदान पे, चाहे वो विराट कोहली हो, क्विंटन डीकॉक हो, केएल राहुल है, उनमें से एक खिलाड़ी जो कि इस बार स्टार बन गया है, मोहसिन खान, मुंबई इंडियंस में थे 3 साल, रोहित शर्मा ने मौका नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब लखनऊ में आए तो देखिए क्या सीजन रहा है, 13 विकेट उन्होंने लिए 8 मैचेस में। जब दुनिया आपको रोके ना, तो तब समझो कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है। जब दुनिया रोके, जब दुनिया कहे तुम अच्छे नहीं हो, जब दुनिया कहे तुम ऐसे हो, तुम नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं, मोहसिन खान नहीं खिलाया, और भाई तेरे लिए अच्छा था तुझे नहीं खिलाया, क्योंकि पूरी कुदरत तुझे तैयार कर रही थी दूसरी टीम के लिए। तो मोहसिन भाई, छोटे भाई, आपने 13 विकेट ले लिए, कम है, अभी गुस्सा सही तरह निकला नहीं आपका, गुस्सा निकाले आज। बिल्कुल, और ऐसा ही गुस्सा युजवेंद्र चहल में भी देखने को मिला था शोएब भाई, जब आरसीबी ने रिटेन नहीं किया, लेकिन हमें लग रहा था कि ये चहल के बिना क्या होगा आरसीबी का, वनिंदु हसरंगा आ गए और देखिए पूरे बॉलिंग यूनिट को संभाल लिया। देखे हसरंगा जो भाई जी, देखिए गेंद, मेरी बहन देखो ये क्या जबरदस्त टैलेंट वर्सेस टैलेंट लड़ता जा रहा है। मेरे ख्याल में अब लड़कों ने बड़े अच्छी तरह से चाल ने अपनी जगह बनाई, दूसरी जगह पे आके भाई साहब ने अपनी जगह बनाई, हर लड़के ने अपनी जगह बनाई। तो मुझे अच्छा ये लगा कि एक दूसरे के साथ अदब के साथ, रिश्ते के साथ, अदब के रिश्ते के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये नहीं मैंने स्टेटमेंट सुनने को मिली, तो अच्छा हुआ चाल निकल गया और मैं आ गया और मैं डिजर्व करता हूँ। अच्छा है, हेल्दी कॉम्पिटिशन है और आपकी क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। और क्रिकेट को फायदा इसलिए भी हो रहा है, खिलाड़ियों को भी फायदा हो रहा है, देखिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आगे साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ उन्हें मौका मिला है। दिनेश कार्तिक की मैं बात कर रही हूँ, दिनेश कार्तिक अच्छा परफॉर्मेंस किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उनका सिलेक्शन हो गया, बहुत बड़ी बात है ये, और वो चाहते भी हैं कि अब आगे यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा हो। बड़ी बात है, दिनेश कार्तिक तो मेरे साथ का है भाई तो बड़ा फिट है, तगड़ा है, बड़ा ही अच्छा बंदा है, और अच्छे के साथ अच्छा ही होता है आखिर में। और मैं उनके अच्छे इख्तिताम के लिए दुआ भी करता हूँ, उनको विश बेस्ट ऑफ लक भी कहता हूँ। मैं उनसे ये भी कहता हूँ, जस्ट गो आउट देयर, एंजॉय क्रिकेट, डिलीवर एज मच एज यू कैन फॉर हिंदुस्तान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बहादुरी की मिसाल है, अगर उसके आप, हम तो नहीं किसी पर्सनल मैटर तो नहीं इशू डिस्कस करते हम, लेकिन देखिए जो भी उनकी पर्सनल लाइफ सेटबैक्स रहे, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने अपने आप को बड़ा, मैं उनकी जिंदगी को फॉलो किया, मैंने पढ़ा उनके बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वेल डन, ये होता है एटीट्यूड। तो एक तरफ है दिनेश कार्तिक शोएब भाई, और सामने है उनके मार्कस टर्निस जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले गेम में 3 विकेट्स भी उन्होंने लिए थे, लेकिन अब उनके पास अच्छा मौका होगा अपना बल्ला भी दिखाने का और बल्ले से प्रदर्शन करने का, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है और मार्कस टर्निस जैसे खिलाड़ी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। यस, ये बात सच है, और बहुत तगड़ा है, इतनी मोटी नेक है उसकी, इतना जानदार आदमी है, और एवरेज क्रिकेटर लगते हैं नहीं, और बड़ा सोच समझ उनको लिया जाता था, बहुत सोच समझ के उनके साथ काम किया जाता था, और मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जहाँ पर देखें स्टार किसी न किसी तो बनना है, तो आप कोशिश करें, ऑल इज वेल, लेकिन तगड़ा क्रिकेट खेलें। और स्टैनिस, मार्कस स्टैनिस, गेम ऑफ थ्रोन का मार्कस स्टैनिस बन जाए, आजा गेम ऑफ थ्रोन का बादशाह बन जाए, निकाल तलवार और शुरू हो जाए। भाई जाते जाते, कौन है आपकी आज की फेवरेट टीम? और छोड़ो ये सवाल, मैं आपसे क्या करता हूँ हमेशा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, अब आपकी बारी है। नहीं, कौन है बोलो ना, विराट कोहली को छोड़ो ना, मैं तो कह रही हूँ केएल राहुल। अरे इतनी बड़ी गद्दारी विराट कोहली के साथ आई एम विद विराट कोहली, मेरा दिल करता है आज विराट कोहली शो करे, आज वो यहाँ से लेके चले, मैं और इससे ज्यादा उनको गिरता नहीं देख सकता, मेरे दिल की ख्वाहिश। उन्हीं पर आपकी नजर रहेंगी, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर।
प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर विराट कोहली। बस मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोच चाहिए, मैच नहीं खेले, आरसीबी को पार लगा जाए, खुश देखना चाहता हूँ मैं उनको आज, खुश देखना चाहता। मैं तो मैं गो फॉर दिस। देखते कमेंट सेक्शन में हम अपने व्यूअर्स से पूछते हैं कि आज कौन सी टीम मैच जीत रही है और कौन सी टीम घर जा रही है। शिव भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया यशका आपका, बहुत शुक्रिया। सो बेटवे प्रेजेंट्स इस मैच की बात में फिलहाल चले इतना ही, लेकिन बहुत सारे फन सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे स्पोर्ट्स कीड़ा पर। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।